नमस्कार, सच कहो पंजाबी न्यूज बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नजर पौने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। शराब घोटाले मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी आगुओं से कसा शिकंजा। ईडी ने सांसद संजय सिंह के करीबियों के दुकानों से की छापेमारी। ईडी की इस कार्रवाई का आपने किया विरोध। सांसद ने मोदी सरकार से कसया तंज, बोले मोदी की दादागिरी चरम से। उत्तर पश्चिमी दबाव के कारण भारत के कई सूबे में बरसात ने लोगों को गर्मी से दवाई राहत। तापमान डिगन के मौसम का बदलिया मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक 26 तो 28 मई तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत होर सूबे में जम के होगी बरसात। नवे संसद भवन के उद्घाटन से गरमाई सियासत। कांग्रेस समेत 19 पार्टियां ने संसद भवन के उद्घाटन प्रोग्राम का किया बहिष्कार। सारे पार्टियां ने संयुक्त रूप से जारी किया बयान, बोले प्रधानमंत्री और उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। राहुल गांधी के पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को अगली होगी सुनवाई। संसद सदस्य जाने के बाद राहुल ने सरेंडर किया पासपोर्ट। दस दी कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट राहुल ने नवा पासपोर्ट जारी करने की लगाई सी याचिका। नशेड़ियों से चेन्नई सरकार ने की नवेकली पहल। सूबे में पान मसाला गुटका किया बैन। तमिलनाडु उपायुक्त ने कहा कि अज तो ही लागू होगा आदेश। आदेशों की उलंघना करने वाले से होगी सख्त कार्रवाई, देना पवेगा भारी भरकम जुर्माना। अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की दिन दिहाड़े हत्या। नकाबपोशियों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। बुधवार सवेरे 11:30 बजे की दसी जा रही है घटना। एसएसपी सतेंद्र सिंह ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। पुलिस के हाथ लग्या गैंगवार का सीसीटीवी फुटेज। पंजाब विच सरपंच अते जिला परिषद के खाली अहुदिआं दे लई ज़िमनी चोणां ना करवाउण दे खिलाफ दाखल याचिका ते कोर्ट ने लिया फैसला। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार नूं जारी कीता नोटिस। 20 दिन दे अंदर पंचायत उपचुणां दी अधिसूचना जारी करन दे दित्ते आदेश। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 12वीं जमात के ऐलाने नतीजे। विद्यार्थियों में खुशखबरी की लहर। बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वरिंदर भाटी ने विद्यार्थियों और उन्होंने परिवारक मैंबरों को दी वधाइयां। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की ऑफिशियल वैबसाइट से विद्यार्थी देख सकते हैं परीक्षा के परिणाम। संघ लोक सेवा आयोग के प्रीख्या परिणामों में आया फतेहाबाद का अभिनव। देश भर के 12वां रैंक किया हासिल। गोरखपुर का रहने वाला है अभिनव सिवाच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन करके दी वधाई। पिता सतवीर सिवाच ने भी की मुख्यमंत्री न गलबात। हरियाणा के विख्यात रागनी गायक पाले राम दिया का देर रात हार्ट अटैक के निधन। 68 साल की उम्र में दुनिया ने कहा अलविदा। दिया ने अपनी रागनियों के नाल हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए निभाई सी अहम भूमिका। दस दिए कि अपनी दमदार रागनियों के बलबूते लोगों की दिल जीत लेंदे सन दिया। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इन्ना ही। ज्यादा खबरें देखने लिए देखते रहो सच कहूं।